Hey guys, welcome to my channel. Today I am going to introduce the 6th step of science class 10th biology, that is life processes. So let's start. So what is life? What is the meaning of life? Life means alive, जिसे हम हिंदी में जिंदा भी कहते हैं. लाइफ कौन होते हैं? जो रेस्पिरेशन करते हैं. रेस्पिरेशन कौन कौन करते हैं? जैसे हम ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो हम अपने आसपास बहुत थिंग्स को देखते हैं जो या तो लिविंग थिंग्स होती है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स होती है. तो लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं? अभी मैंने बताया था, जैसे हम ह्यूमंस और प्लांट्स और एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन कौन आते हैं? जैसे चेयर, टेबल, कूलर, टीवी एंड सो ऑन एंड अनदर एंड मैनी अदर थिंग्स विच कैन नॉट रेस्पायर और मूव. So now a question arises that what criteria do we use to decide whether something is alive? What criteria do we use to find whether something is alive? So we can say that first thing is that it shows movement by himself. जो खुद से मूवमेंट शो करते हैं वो अलाइव होते हैं. कोई और नहीं उन्हें मूव करता. अगर हम किसी और चीज़ को मूव कर रहे हैं तो वो अलाइव नहीं है, लेकिन अगर वो खुद से मूव कर रहे हैं तो वो अलाइव है. और अलाइव है तो वो क्या है? लिविंग थिंग्स में इंक्लूडेड है. और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन? जो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता. तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो हम ये कर रहे हैं इनको हम लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं. अब जैसे सबसे पहले पॉइंट हमने किया, इट शोज मूवमेंट बाय हिमसेल्फ. नाउ वी कैन दे नीड, नेक्स्ट पॉइंट इज दे नीड फूड, एयर, वाटर टू फॉर्म एनर्जी. दे नीड एनर्जी फॉर मूवमेंट, रेस्पिरेशन and any and many other thing processes and for many other processes they need energy. Okay, so next point is living things can grow. They can grow. जैसे हम पहले बच्चे होते हैं छोटे और फिर हम इससे बड़े हो जाते हैं और एडल्ट बन जाते हैं. वैसे ही जब जो प्लांट्स होते हैं वो शुरू में बहुत छोटे होते हैं और धीरे धीरे करके एक ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी कई सारे छोटी छोटी शाखाएं भी निकल जाती हैं और बहुत बड़े बड़े रूट्स बन जाते हैं. तो वो भी मूवमेंट शो करते हैं. प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं और ह्यूमंस भी मूवमेंट शो करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मूवमेंट शो करते हैं और एनिमल्स भी मूवमेंट शो करते हैं. इसीलिए ये सब अलाइव कहलाते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लिविंग थिंग्स कैन रिस्पोंड कर सकते हैं. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो हम रिस्पोंड कर सकते हैं, एक दूसरी बातों का रिस्पोंड कर सकते हैं, दूसरे से बात कर सकते हैं. तो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सो गाइस, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर मतलब सांस लेना, कैन रिप्रोड्यूस मतलब अपने से आगे की जनरेशन को बढ़ाना, और वी ऑल्सो कैन एक्सक्रीट मतलब वेस्ट मटेरियल्स को अपने बॉडी से एक्सक्रीट करना, बाहर करना. सो नाउ वी हैव लर्नड अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ वट आर लाइफ प्रोसेसेस? सो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. वट द बेसिक फंक्शंस
कौन से, जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय, बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ, टू मेंटेन लाइफ आर ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस विच आर कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, देयर आर फोर लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन मतलब फूड में से न्यूट्रिशन लेना जिससे हम एनर्जी फॉर्म करते हैं, ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड इन आवर बॉडी जो डाइजेशन से मिलते हैं हमें, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना जिससे हम जिंदा रहते हैं मतलब वो तो होता ही है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब सब्सटेंसेस के मूवमेंट इन आवर बॉडी, जो सब्सटेंसेस हैं ऑक्सीजन वगैरह इनके ट्रांसपोर्टेशन, इनका एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, मूविंग आउट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, एक्सक्रीटरी वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। दीज आर कॉमन लाइफ प्रोसेसेस, दीज आर कॉमन लाइफ प्रोसेसेस टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दीज आर कॉमन लाइफ प्रोसेसेस। सो हेयर वी हैव डन द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10 साइंस ऑफ बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। क्विक रिकैप, सो फ्रेंड्स हेयर इज, सो गाइज हेयर इज अ क्विक रिकैप ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस इंट्रोडक्शन। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज अलाइव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ क्या होते हैं, जो अलाइव होते हैं, लाइफ मतलब जिंदा, और जो अलाइव होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, बाकी भी प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हमारे आसपास दो तरह की थिंग्स होती है, मतलब लिविंग थिंग्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो हम पूरा दिन देखते रहते हैं, आसपास होते हैं, हमारे प्रेजेंट है। लिविंग थिंग्स में कौन कौन, क्या क्या, कौन कौन होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स में होते हैं चेयर होते हैं, टेबल होते हैं और टीवी होते हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि चेयर या फिर टेबल ग्रो कर रही है? नहीं सुना होगा। तो बस वही सब अभी हम पढ़ रहे हैं कि अलाइव का क्या क्राइटेरिया होता है, कि कौन अलाइव है और कौन नहीं है, ये हम कैसे जान सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इट शोज मूवमेंट बाय इटसेल्फ, खुद ही मूवमेंट शो करता है और कोई उसको बड़ा नहीं करता, खुद ही। अब टेबल और चेयर खुद तो हिल नहीं सकते तो इसका मतलब वो अलाइव नहीं है। सेकंड पॉइंट इज नीड फूड, एयर, वाटर टू फॉर्म एनर्जी। अब जैसे हमें खाना खाना होता है, हवा चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, ताकि हम एनर्जी फॉर्म कर सके और अपने बेसिक फंक्शंस कर सके। लेकिन चेयर टेबल इनको थोड़ी ना चाहिए होती है फूड, एयर, वाटर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन ग्रो देमसेल्व्स, मतलब खुद ही ग्रो कर सकते हैं। अब टेबल चेयर, अभी मैंने कहा था कि कभी भी ग्रो कर नहीं सकते, अब ग्रो करना सुने भी थोड़ा अजीब लगता है। सो फोर्थ पॉइंट इज लिविंग कैन रिस्पोंड, वो रिस्पोंड कर सकते हैं। अब हमने किसी चेयर से पूछा कैसा है भाई, वो थोड़ा ना रिप्लाई देगा, वो थोड़ा ना रिस्पोंड देगा, हम रिस्पोंड दे सकते हैं। वैसे तो ट्रीज भी नहीं दे सकते, लेकिन बाकी के 3 पॉइंट्स तो उनके क्राइटेरिया होते हैं। ये फोर्थ पॉइंट थोड़ा एक्सेप्शनल होता है, सही होता है। तो ये जो हमने पढ़े, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है लिविंग थिंग्स के, इनको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं लिविंग थिंग्स के। सो फिर हमने लाइफ प्रोसेसेस को डिफाइन किया। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। ओके, तो बेसिक सम कॉमन लाइफ प्रोसेसेस अमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, न्यूट्रिशन फॉर एनर्जी, रेस्पिरेशन एयर, एयर को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देना, ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी, एक्सक्रीशन मूवमेंट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी। तो हमने अभी ये सब पूरा अच्छे से इसके इंट्रोडक्शन कर लिया है। अभी मैं इसके 4 पार्ट डालूंगा आगे, ताकि मैं इन सब प्रोसेसेस को अच्छे से डिफाइन कर सकूं। ओके, बाय, थैंक्स।